हम बात कर रहे हैं अगले अगले बुक के अगले एग्जांपल्स में, 101 बुक के अगले एग्जांपल्स की, वो है यूजिंग नेम रेंज। जी हाँ, अभी आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया कि नेम रेंज क्या होता है, मतलब कि किसी नेम को किसी एड्रेस जो है हम एड्रेस A2 कर दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो है क्रिटिकल नेम के जगह पे एक शॉर्ट नेम डिफाइन कर लेते हैं। जी हाँ, एक शॉर्ट नेम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा ले लेता हूँ, मैं रैंड बिटवीन का फॉर्मा लगा के कुछ डेटा को ले लेता हूँ। अब मान लीजिए कि इस फाइल के अंदर कहीं भी मुझे इसको यूज करना होगा, तो मुझे इसका रेंज लेना होगा A1 से लेके F1। तो इसमें सीट का रेफरेंस नहीं आया, लेकिन मैं किसी अनुदर शीट पे जाता हूँ, अनुदर शीट पे अगर मैं यहाँ पे सम देता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो पूरा का पूरा सीट नेम के साथ आता है। मैं चाहता हूँ नहीं, कुछ ऐसा छोटा सा नाम हो, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और हम चले गए फॉर्मूला मेनू बार में। जी हाँ, हम चले गए कहाँ, फॉर्मूला मेनू बार में, और फॉर्मूला मेनू बार में हमने डिफाइन नेम में यहाँ पे हमने इसका नाम डेटा रख दिया। मुझे कहीं भी सम करना होगा तो जस्ट डेटा का हम यूज करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक और दिक्कत है कि इसमें आपको नीचे तक ड्रैग करना पड़ता है, ड्रैग करने पे आपका रेफरेंस देखिए चेंज हो गया ना, A2 से F6 हो गया, बट आपका इसमें डिफाइंड नेम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, डिफाइंड नेम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सारे फॉर्मूले में हम इसी का यूज करते हैं कि हम डिफाइन नेम दे लेते हैं ताकि हमें फ्रीज वगैरह करने का झंझट ना हो, लेकिन जो फिक्स एरिया है उसी का हम डिफाइन नेम करते हैं। अब डिफाइन नेम के बारे में और ज्यादा समझना है तो आप सीट के ऊपर राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें, इंसर्ट में स्पेसिफिक सॉल्यूशन पे आए, यहाँ पे मिलेगा लोन ऑथराइजेशन। ये बने बनाए आपके पास एक फॉर्मेट होता है जो एक्सेल आपको बना के देता है, उसको ओके कीजिएगा तो ये आपका है। एक क्या है कि लोन शेड्यूल है, क्या कोई लोन लेना है तो उसके लिए, तो ये प्रोटेक्टेड होता है, रिव्यू में जाके आप इसको अनप्रोटेक्ट सीट कर दीजिए। अब जैसे कि लोन अमाउंट हमारा 50,000 है, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 5% है, लोन पीरियड 6 साल का है, और नॉर्मल पेमेंट 12 साल में दिया जाता है, और लोन स्टार्ट मान लीजिए आज से है, ये पूरा का पूरा लोन का शेड्यूल कैलकुलेट कर देता है कि टोटल पेमेंट 800 रुपये का होगा, 72 किस्त जाएगी, इंटरेस्ट आपको इतना देना पड़ेगा, और किस डेट को कौन इंटरेस्ट जाएगा और कितना बैलेंस बचा होगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे बैलेंस 50,000 रुपये है, हम 800 रुपये का शेड्यूल पेमेंट है, इसमें टोटल पेमेंट इतना होगा, इसका जिसका प्रिंसिपल इतना होगा, इंटरेस्ट इतना होगा, और बच कितना जाएगा, इतना बच जाएगा। अभी तक तो इंटरेस्ट हमने कितना दिया, 208, एक कम्युलेटिव इंटरेस्ट होते चला जाएगा। अब इसमें इस चीज खासियत देखिए क्या है, यहां पे आपको कोई भी रेफरेंस नहीं दिख रहा है, दिख रहा है एट द रेट पे नंबर, यहाँ पे स्टार्ट डेट, स्टार्ट यहाँ पे नंबर, नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, लोन स्टार्ट दिख रहा है, यहाँ पे लोन अमाउंट, यहाँ देखिए इंटरेस्ट में दिख रहा है आपको। तो इसने क्या किया है कि इसने फॉर्मूला मेनू बार, इसमें जाइए फॉर्मूला मेनू बार में, नेम मैनेजर में इतने सारे नेम को इसने डिफाइन कर रखा है, और सिर्फ नेम में आप सिर्फ रेफरेंस का नेम ही नहीं दे सकते, इसके अंदर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे सिर्फ रो नंबर का, रो का फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे देखिए इफ का फॉर्मूला लगा रखा है, इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन क्यों करते हैं, कहाँ पे कैलकुलेशन हम करते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो एक बार मैं इस सीट को डिलीट कर देता हूँ, आ गया अंदर। तो लोन कैलकुलेट कहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, चलिए इसके बारे में बताते हैं।
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है और यहाँ पे ग्रोथ निकालना होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट और डिवाइड बाई ओल्डेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाता है परसेंटेज में। बट प्रॉब्लम है कि एक कैलकुलेशन मैं तो लगा पाता हूँ लेकिन मेरे जो कलीग है, मैनेजर्स हैं या फिर मेरे जूनियर्स हैं, वो नहीं लगा पाते क्योंकि एक्सेल में बहुत तो कमजोर है, एक्सेल बहुत कम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और इस फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद ध्यान रखिए कर्सर हम सेम लोकेशन पर रखेंगे। फॉर्मूला में मैं डिफाइन नेम में आऊंगा और यहाँ पे जी आर नाम से डिफाइन कर दिया और यहाँ रेफरेंस के जगह पे उसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसमें ब्राइक इसमें जो है ना डॉलर साइन नहीं लगना चाहिए, अगर डॉलर साइन लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सब में एक ही का रिजल्ट देगा। एंड ओके कर दिया। अब देखिए अब मुझे लगाना होगा फॉर्मूला, तो जस्ट इक्वल जी आर लिखूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि सेम है ना 86, समझे। तो अब मुझे जस्ट जी आर को लिखना है और मेरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में इस तरह से हम डिफाइन नेम में अपना फॉर्मूला को इंक्लूड कर सकते हैं। किसी को डाउट है इस एग्जांपल में? और डिफाइन नेम में हर तरह का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और भी आता है कि आपका जो नेम बॉक्स है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स के बारे में हमने बताया आपको कि हम यहां से फॉर्मूला अप्लाई जो रिसेंटली यूज्ड फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं डिफाइन, और उसके अलावा हम नेम को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके मुझे इसका नाम चाहिए तो फॉर्मूला मेनू बार में जाके डिफाइन नेम ना करके हम यहाँ नेम बॉक्स में भी हम नेम को डिफाइन किया जा सकता है, बस लिखिए और टाइप कर दीजिए, यहां से भी नेम को डिफाइन किया जा सकता है।